वीरप्पन मैं समझता हूँ एक क्राइम थ्रिलर है, एक लेकिन लाइक हाफ मिक्स विद बायोपिक. लेकिन बायोपिक ऐसा है कि एक पुलिस जो टीम उसको मारने के लिए प्लान कर रहे थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वीरप्पन के ऊपर एक बायोपिक है. जब मेन रोल जो वीरप्पन है तो ऑब्वियसली आई वांटेड अ न्यू पर्सन, इसलिए कि अगर आप एक पहचान वाले एक्टर तो परफॉर्मेंस देखेंगे और नया एक्टर तो आप कैरेक्टर को देखेंगे, ये मेरा मानना है. और डीज आर ए सचिन उषा जादव दे ऑल प्लेइंग इंटरेस्टिंग रोल्स इन द राजकुमार कन्नड़ा सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप करने के बाद वीरप्पन को लगा कि मैं इससे बड़ा किसी को करना चाहता हूँ. सो दे वॉज एक्चुअली प्लान टू किडनैप रजनीकांत, बट बिफोर ही कुड डू दैट ही वॉज किल्ड. किस तरह के लोकेशन यूज किया गया इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ वीरप्पन ऑपरेट कर रहा था कर्नाटका तमिलनाडु फॉरेस्ट में, और कुछ जगह जहाँ परमिशन नहीं मिल सका तो वे यूज डिफरेंट प्लेस. इस मूवी के जरिए कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वीरप्पन को हीरो बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. इसी वीरप्पन का पॉइंट है, इसी वीरप्पन जैसा आदमी क्राइम हिस्ट्री में नहीं था, और उसको पकड़ने के लिए जो पुलिस वाले जो भी एक प्लान सोचा है वो हाईलाइट करते हुए पिक्चर का मेन इंटेंशन वो है. लेकिन वीरप्पन एक हकीकत है, रियलिटी में था, और जो भी वो किया वो सब पुलिस रिकॉर्ड्स में है, यू नो. तो उसको ग्लोरीफाई करने का हमारा कोई ये नहीं, बट आई वांटेड टू शो हिम द वे ही इज. सर, इस मूवी में हाथियों को भी मारा गया है, ये दिखाया गया है, तो फिर एनिमल्स के ऊपर ये सब? आई मीन दैट इज अ फैक्ट व्हाट ही हैज डन विद द एलिफेंट, बट ऑब्वियसली एलिफेंट सीन्स वी शॉट विद द प्रॉपर परमिशंस, जो भी रेगुलेशंस के हिसाब से हमने शूट किया. इस मूवी को आपने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है, कितना अच्छा होता है ये डायरेक्टर का ना लिख दिया, कितना जो लिखना तो ये सब पूरी कंटेंट है, हमें जो भी कंटेंट रियलिटी बेस में है तो हम स्क्रीन प्ले में उसको हम बिठाना चाहते हैं बस. और डायरेक्शन भी वीरप्पन की जो कैरेक्टर सब्जेक्ट मैटर की सर्च होती है. मैं वीरप्पन के एक्स गैंग मेंबर्स को मिला मैं, और कुछ मीडिएटर्स को जो वीरप्पन के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, और पुलिस ऑफिसर्स जो उनको पकड़ने में जो इन्वॉल्व होते थे, और उसकी बीवी को भी मिला मिला मैं. संदीप भारद्वाज एज अ वीरप्पन, कितना उन्होंने किया है रोकी क्योंकि यानी ही इज डन ए फैंटास्टिक जॉब. मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आई एवर वर्क्ड विद, इसलिए कि वीरप्पन का रोल जो है वो रेफरेंस पॉइंट में नहीं होगा किसी एक्टर का. जिस तरह की जंगल में एक 20 साल से जंगल में जी रहा था, सो ऑब्वियसली टू डेवलप दैट बॉडी लैंग्वेज एंड दैट एटीट्यूड संदीप ने बहुत जबरदस्त किया है. वीरप्पन एक बहुत ही यूनिक फिल्म है मेरे नज़र से, इसलिए कि कैरेक्टर बहुत यूनिक है. मैं समझता हूँ कि ऑडियंस को एक बहुत ही अलग तरह की एक्सपीरियंस आएगी. ओके.